इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए ना जाने क्या क्या किया है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये फतेहपुर शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। इसे ठिठौरा नाम का गांव है। इस जगह पे ससुर खदेरी का उद्गम हुआ है। यहाँ पर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है और साथ ही भूगर्भ जल है जो वो भी इकट्ठा हो करके आगे की ओर ये बढ़ जाते। लेकिन अफसोस ये है कि इस जगह पर आज ये नदी विलुप्त के कागार पे पहुंच गई है। तो बचपन में नदी के क्या हालात रहते थे? बचपन में तो यहाँ इस समय यहाँ साला जल भरा रहता था। पहले यहाँ कितने नीचे पानी मिल जाता था? पहले तो 30-35 फुट में था और अब 250 फीट जाता है। इसका कारण क्या है इतने नीचे पानी चले जाने का? भाई नदी से जब पहले गहरी थी नदी, हाँ। तो इसमें पानी रुकता था और जून जुलाई को बन जाता था तो पूरा समय व्यतीत हो जाता था, पानी रुका रहता था। हाँ। अब पानी रहता नहीं है, तुरंत आषाढ़ है, पानी बरसात हुई तुरंत निकल गया। आप जो मेरे पीछे इलाका देख रहे हैं, जो ये पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये नदी का बहने का हिस्सा है जो कि सूख चुकी है। लोगों ने यहाँ पर खेती करने के लिए कुछ साग सब्जियां लगा रखी है। इन लोगों को नहीं मालूम कि इस जगह पे ससुर खदेरी नाम की नदी भी बहा करती थी। जो बगल में नाला बह रहा है वे लोग उसी को ससुर खदेरी कहते हैं। उससे बहुत से नाले मिले हुए हैं। लोगों को नहीं मालूम कि पुराने नदी का रास्ता क्या था। तो सब झील पहले थी, झील बता रहा है प्रधान लोग पट्टा कर दिए सब लाई के। यहाँ तो खेत है सबके दिख रहे हैं। अब जब पट्टा हो जाए तो आदि ज्योति बोई तो है, यानी ये सरकारी जमीन है पहले थी। अच्छा। लेकिन अब प्रधान लोग रुपया ले लेके पट्टा कर दिया, आपके नाम हमारे नाम उनके नाम इस तरह सबके। तो नदी को फिर से, ये जो आपकी झील है इसे फिर से संरक्षित करेंगे? बोल तो रहे हैं, अब देखो सरकार का कैसा है। अब क्या होगा ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। जानना होगा और इस नदी को बचाना होगा, नहीं तो इंसान भी समाप्त हो जाएगा। मैं अजीत बहादुर, इंडिया अनहर्ड के लिए इलाहाबाद से।